हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों आज जो हुए थे दो मुकाबले हुए थे उसके बाद पॉइंट्स टेबल में क्या फ़र्क आया है इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दो आज के मुकाबले। पहला मुकाबला जो कि SRS वर्सेस CSK के बीच में खेला गया था, एक तरफा मुकाबला हम कह सकते हैं कि सनराइज़ हैदराबाद की टीम ने जीत लिया था। ओपनिंग पार्टनरशिप जो कि हुई थी अभिषेक शर्मा में अच्छी जो कि पारी खेली थी। अगर हम बात करें दूसरा जो कि मुकाबला हुआ था MIU और RCB के बीच में, वो भी हम कह सकते हैं लगभग एक तरफा ही मुकाबला कर दिया था RCB की टीम ने बैटिंग में आते हुए। हालांकि सूर्या कुमार यादव ने अच्छी पारी खेली थी। दोनों चैंपियंस टीमें 4-4 मैच हार चुकी है अपने, तो पॉइंट्स टेबल में क्या फ़र्क है, क्या ये प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस उनके, तो चलिए बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि पहले नंबर पर KKR की टीम 6 पॉइंट्स के साथ 3 मैच जीत चुकी है। दूसरे नंबर पर GT की टीम 3-3 मैच जीत चुकी है, और साथ साथ जो कि है तीसरे नंबर पर RCB की, चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 6 पॉइंट्स के साथ, पाँचवें नंबर पर RR पंजाब किंग्स की टीम है 2 मैच जीत चुकी है, और साथ साथ बात करें 7वें नंबर पर 8वें नंबर पर SRH और DC है 2 पॉइंट्स के साथ जीत चुकी है एक एक मैच। 9वें और 10वें नंबर पर जो कि आपको पता ही है CSK और मुंबई इंडियंस की टीम, दोनों ही सक्सेसफुल टीमें 9 सीजन इनके पास हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जुटते हैं क्या ये आगे जा पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों इनको अगले 10 में से 8 मुकाबले जीतने होंगे, दोनों में से एक टीम जा सकती है जो कि मुझे लगता है। अगर हम बात करें ऑरेंज और पर्पल कैप होल्डर, तो वही हैं उमेश यादव पर्पल कैप ऑरेंज कैप अभी जो बटलर के पास है। दोस्तों आप कमेंट करें एट दी एंड कौन लेके जाने वाला है इन कैप्स को। अगर हम बात करें कल भी डबल धमाका होने वाला, डबल हैडर होने वाला संडे है कल का। पहला मुकाबला जो कि होगा दिल्ली कैपिटल्स और KKR के बीच में। अगर हम बात करें नेक्स्ट मुकाबला लखनऊ और RR के बीच में, तो दोस्तों आप कमेंट करें कि कौन कौन सी टीमें जीतने वाली है इस मुकाबले को। तो साथ साथ वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का।